एवरीवन, मैं सैम्यूल तेजा, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अबंडेंट लाइफ ग्रुप। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ। ये जो टॉपिक है, ये हमारी डे टू डे लाइफ, जो हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके साथ कनेक्टेड है, वो है कि व्हाई डू वी फेस चैलेंजेस इन आवर लाइफ। कि हम अपने जीवन में चुनौतियाँ क्यों महसूस करते हैं, हम क्यों फेस करते हैं। अगर मैं बताऊंगी चैलेंज, सबसे ज़्यादा मैं आज बात करूंगा रिलेशनशिप चैलेंज के बारे में, क्योंकि हमारा ये प्रोग्राम है, हम यहाँ पे रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं, पेरेंटिंग के बारे में बात करते हैं, बच्चों के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आपके साथ रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन जो मैं आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ कि व्हाई डू वी हैव, कि हम अपने रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्यों महसूस करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, यू नो, ये हमारे जन्म से ही स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें चुनौतियों की, चैलेंजेस की, ये जो चैलेंजेस हैं, ये चुनौतियाँ हैं, हमारे जन्म से लेके हमारे मरण तक जाती हैं, यू नो। हम इसको बोलते हैं, हम चुनौतियों का जो प्रोसेस है, ये है टूम से लेके वूम तक, यू नो, और वूम से लेके टूम तक का ये प्रोसेस है जो चुनौतियों से भरा हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अपनी रिलेशनशिप में, क्योंकि आजकल अगर हम देखें जो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रगल है लोगों में, वो अपनी रिलेशनशिप को लेके है सबसे ज़्यादा, जो उनके अंदर वो जो भी चैलेंज महसूस करें। क्योंकि जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, पिछले 8 साल से मैंने काफ़ी क्लाइंट्स को काउंसल किया है, तो जो मेरा जो एक्सपीरियंस आया कि बहुत सारे लोग अपनी अलग अलग प्रॉब्लम्स को लेके हमारे पास आते हैं, और जब मैं उनकी प्रॉब्लम को मैं एनालाइज करता हूँ, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता हूँ, सो सबसे ज़्यादा जो 80% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स मैंने जो फेस की हैं उनके साथ, जो मुझे रिपोर्ट की गई हैं, वो हैं उनकी रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि चाहे आपकी वो प्रॉब्लम जो किसी अपने जॉब के रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपकी आपकी एज ए स्टूडेंट अपनी पढ़ाई से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, मगर कहीं ना कहीं उसकी जो जड़ें हैं, उसकी जो रूट्स है, वो रिलेशनशिप के साथ कनेक्टेड रहती है। बिकॉज हम सभी इस रिलेशनशिप के जाल में बंधे हुए हैं, यू नो, हमारी फैमिली में अपनी रिलेशनशिप्स हैं, हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी रिलेशनशिप हैं, हमारी कोलीग्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स हैं। तो ये जो हम अपने एक रिलेशनशिप के, एक रिश्तों के जाल में बंधे हुए हैं, और ज़्यादातर जो एक स्ट्रेस हमें होती है, ज़्यादातर हमें तनाव होता है, उसका 80% जो कारण, 80% जो कारण है, वो है रिलेशनशिप के चैलेंजेस। और हम ये रिलेशनशिप में चैलेंजेस क्यों फेस करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर ये देखा गया है, रिसर्च ये बताती है कि ज़्यादातर जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं अपने लाइफ में, अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है, यू नो, अगर हमें किसी से प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हमें किसी से नहीं है, वो हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है। क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। शायद अभी आपको मैं छोटी सी एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये छोटी सी एग्जाम्पल है एक एम्प्लॉय के बारे में। एक एम्प्लॉय था जो किसी कंपनी में काम करता था, उसको इडियट वर्ड से बहुत ही नफरत थी। कोई उसको इडियट बुलाता था उसके स्कूल में, उसको बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा आता था। और जब उसको उसकी पढ़ाई ख़त्म हुई, जब उसको जॉब मिली, और उसका जो बॉस था वो भी उसको इडियट बुलाने लग गया। हर बार उसको इडियट कहकर उसका काम अच्छा नहीं किया तो उसको इडियट बुलाता और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। और जिस वजह से क्या हुआ कि बहुत परेशान रहता था, जिस वजह से उसने जॉब छोड़ दी और उसने दूसरी जॉब ज्वाइन कर ली, वहाँ पे भी कोई ना कोई उसको इडियट बुलाता था। अभी हम देखें ये जो प्रोसेस है, कोई उसको इडियट बुलाता है या उसको बेवकूफ़ बुलाता है, तो उससे वो प्रॉब्लम, उसने जो उसको बुला रहा है, मे बी शायद उसके बचपन में या उसके कहीं उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ इडियट वर्ड, यू नो, जो है वो उसके लाइफ में एक एक ट्रॉमा की तरह उसने काम किया है। और जब हमने उसको उस केस को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर किया, हमने देखा कि उसके बचपन में जब वो कोई भी गलती करता था, वो एज ए चाइल्ड, जो वो बच्चा था, तो उसके पापा उसको हमेशा इडियट बुलाते थे। तो वो जो प्रॉब्लम थी वो धीरे धीरे बढ़ती गई। जब वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में चला गया, वो जो वर्ड था वो उसकी लाइफ के साथ एसोसिएट हो गया। कोई भी किसी को इडियट बुला रहा है तो एकदम से उसके एक माइंड में बेल बजती थी, जिससे वो रिमाइंड होता था अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस के बारे में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारे चैलेंजेस हैं, ये जो चुनौतियाँ हम महसूस करते हैं अपने रिलेशनशिप में, इससे बहुत सारी चुनौतियाँ हमारे बचपन के जो भी हमारे साथ हुआ, कि अगर हम आज अडल्ट हैं
तो हमारे बचपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं हमारे साथ जिसका असर, जिसका इम्पैक्ट हमारे अडल्टहुड लाइफ के ऊपर होता है। बहुत सारी चीज़ें जो हम एज ए अडल्ट करते हैं उसकी कहीं ना कहीं जो रूट्स हैं वो बचपन में होती हैं। तो मैं यहीं पे बताना चाहता हूँ कि जब हम किसी रिलेशनशिप में आते हैं यू नो, तो उस टाइम 50% चैलेंजेस हम अपनी लाइफ के फेस करने स्टार्ट कर देते हैं। अब देखा कि जब तक आप सिंगल हो, आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तब तक आपके चैलेंजेस कम हैं। जब आप रिलेशनशिप में आए, जहाँ आपकी शादी हो गई, जहाँ आपके किसी के साथ रिलेशन बना, तो उसमें क्या होगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस भी आने स्टार्ट हो गए। तो दूसरा 50% चैलेंज कब आया? जब आपके बच्चे हुए। तो 50% चैलेंज कब आया? जब आपकी रिलेशन बनी, आपकी शादी हुई, आपका पार्टनर आया। क्योंकि अभी पहले आप अकेले इंसान थे, अपने लाइफ के चैलेंजेस को मैनेज कर रहे थे, मगर एक अभी एक दूसरा इंसान है जो आपके साथ जुड़ा है, यू नो, वो एक अलग पर्सनालिटी है, वो एक अलग फैमिली से आ रहा पर्सन, उसकी वैल्यूज अलग हैं और उसके साथ एडजस्ट करना एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इसलिए हम देखते हैं कि आजकल मैरिजेस में कितने ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं लोग। सबसे ज़्यादा चैलेंज लोग फेस करते हैं मैरिजेस में। हम देखते हैं कि कैसे बहुत सारे लोग यू नो डाइवोर्स हो रहा है, बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप चैलेंज कर, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि रिलेशनशिप चैलेंज है, कोई भी एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं है। यानी कि हमें दूसरे के साथ प्रॉब्लम है, हमें अपने आप के साथ प्रॉब्लम है। यही आज आपको मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम अपनी लाइफ में फेस कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम दूसरे के साथ नहीं है, कि दूसरा कभी भी आपकी किसी प्रॉब्लम का कारण नहीं बनता है। हमारा हमेशा दोष यही होता कि दूसरे उसकी वजह से मैं परेशान हूँ, अपनी वाइफ की वजह से मैं परेशान हूँ, मैं अपने बच्चों की वजह से परेशान हूँ। एक्चुअली ये गलत धारणा है हमारी। तो जो सही धारणा क्या है कि हम अपने खुद की अंदर जो हमारी प्रॉब्लम चल रही हैं हम उसको लेके परेशान हैं। जो हमारे साथ बचपन में हुआ था हम उसको लेके परेशान हैं। तो ये हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि प्रॉब्लम कभी भी दूसरों के कारण नहीं होती। प्रॉब्लम हमेशा में भी शायद उसको लेके आपके शायद में भी कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने बच्चे में करेक्ट करना चाहते हो, वो शायद वैसी चीज़ें आपके बचपन में हुई थी। तो मैं और एक छोटी सी एग्जांपल आपको देना चाहूँगा। कई बार हम अक्सर देखते हैं कि कई बार होता है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो, कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है रिसर्च के अकॉर्डिंग कि वो जो पेरेंट होते हैं शायद उनके जो बचपन में उनको इनाफ चीज़ें नहीं मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से, उनका जो बचपन था बहुत ही गरीबी में निकला। अब जो वो बड़े हुए हैं, उनका बिजनेस बढ़ा और उनके पास बहुत पैसा आया, उनके माइंड में एक इनसिक्योरिटी थी कि जो चीज़ें मैं नहीं ले पाया अपने बचपन में वो सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को देना चाहता हूँ। उसमें में क्या होता है कि वो अपने धारणा में ठीक है क्योंकि वो अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं। वो अभी हम यहाँ पे देखें, वो अपने बच्चों को देने के लिए उनके पास सब कुछ है, मगर उसको ज़रूरत से ज़्यादा क्यों देते हैं? क्योंकि उनके अपने बचपन में इनसिक्योरिटीज थी, वो चीज़ें जो अनफुलफिल थी, जो उसको पूरा नहीं कर पाए, वो अपने बच्चों पर करते हैं। तो इस केस में हम देखते हैं बहुत सारे बच्चे स्पॉइल होते हैं। जब उनको हम एक्स्ट्रा फ्रीडम दे देते हैं, हम उनको एक्स्ट्रा चीज़ें दे देते हैं, तो उस केस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं आपको यही यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो भी हम चुनौतियाँ अपने रिलेशनशिप में महसूस करते हैं, उन चुनौतियों का सबसे जो बड़ा कारण है वो है हमारी खुद की लाइफ। हमें अपने खुद की लाइफ को पहले तो अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि हम देखें कि इतनी ज़्यादा भागदौड़ लगी हुई है अपने काम में, यू नो, फिर भी हम देखें कि इस कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग अपनी जगह पे बैठे, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों का एक अपना एक डिवाइन कनेक्शन बना है भगवान के साथ, यू नो, बहुत सारे लोगों ने अपना टाइम स्पेंड करना स्टार्ट किया प्रेयर में, मेडिटेशन में, जिससे वो उन्होंने अपने आप को जाना है। सो सबसे जो बेस्ट जो एक तरीका है वो अपने आप को जानने का, अपने आप के चैलेंजेस, क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो जितने भी बड़े चैलेंजेस, सबसे बड़े से बड़ा चैलेंज जो आपकी रिलेशनशिप में है, आपके बिजनेस में है, आप किसी भी काम में हैं, उसका आंसर आपको बाहर नहीं मिलेगा, उसका आंसर आपके अंदर ही है, बिकॉज आप उस चैलेंज को पूरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि वो आपके साथ हो रहा है, वो आपकी लाइफ के साथ कनेक्टेड है। शायद हम हेल्प किसी की हेल्प लेते हैं उस प्रॉब्लम को, उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए, मगर हमें कंप्लीट हेल्प नहीं मिल पाती। शायद हमारे जो पेरेंट्स हैं वो उस चैलेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, शायद हमारे जो फ्रेंड्स हैं हमारे उस चैलेंज को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते।
तो बहुत सारे प्रोफेशनल वेज हैं जिसके द्वारा हम अपने इन चैलेंजेस को हम फेस कर सकते हैं, यू नो। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है हमारे लाइफ की, यू नो, लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज ही रिलेशनशिप चैलेंज है, क्योंकि हमारी, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो हमारी 80% जो हमारी लाइफ में तनाव आता है उसका सबसे बड़ा कारण रिलेशनशिप चैलेंजेस है, यू नो। सो इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप, रिलेशनशिप ही सबसे बड़ा एक अहम मुद्दा है आज के टाइम में, है ना, जिसके बारे में हर जगह पे चर्चा हो रही है। लोग रिलेशनशिप में, कुछ लोग रिलेशनशिप में आके परेशान हैं, कुछ रिलेशनशिप को ब्रेकअप करके परेशान हैं। तो अगर हम बात करें, मैंने कॉलेज में वर्क किया है, मैंने लवली यूनिवर्सिटी के साथ मैंने वर्क किया 5.5 साल एज ए काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। तो वहाँ पर मेरा यही एक्सपीरियंस रहा है कि जितने मेरे पास केसेस आते थे काउंसलिंग के लिए, अगर मेरे पास 10 केस आए हैं काउंसलिंग के लिए, तो उन 10 में से जो 6 से 7 केस रिलेशनशिप चैलेंज को लेकर होते थे। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये चीज़ जाननी ज़रूरी है कि हमारी जो लाइफ है उसमें जो चैलेंजेस का जो सबसे बड़ा कारण हमारे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं जो हमारे बचपन में हुए हैं। तो उसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प सीक कर सकते हो, जैसे काउंसलिंग के लिए जा सकते हो, आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हो, आप अपने किसी स्पिरिचुअल लीडर के पास जा सकते हो, जो आपको इन चैलेंजेस को से बाहर आने के लिए, क्योंकि इसके 3 स्टेप हैं इन चैलेंज को फेस करने के लिए। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस होना, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमें अपनी प्रॉब्लम के बारे में जागरूकता ही नहीं है। हम नहीं जानते कि हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में हो रही हैं, मगर हमें उनका कारण या वजह नहीं पता है। इवन हमें कई बार पता ही नहीं है कि ये प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को एज ए प्रॉब्लम अंडरस्टैंड करना ही सबसे पहला स्टेप है, वो है अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस इसको बोलते हैं। और ये जो सेल्फ अवेयरनेस है ये कई तरीके से आ सकती है, क्योंकि कई बार सेल्फ अवेयरनेस हमें, जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम प्रेयर में होते हैं, जब हमारा एक डिवाइन कनेक्शन बनता है उस परमात्मा के साथ, तब हम उसको, वो हमें अवेयरनेस आती है, जब हम किसी काउंसलर के पास जाते हैं, यू नो, क्योंकि वो काउंसलर क्या करता है, एक मिरर का काम करता है शीशे की तरह। जैसे आप अपने फेस को रिफ्लेक्ट होता देखते हो शीशे में, तो वैसे ही जब आप काउंसलर या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हो, तो आपके वो चैलेंजेस जिनको आप नहीं देख पा रहे हो, जिनको आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पा रहे हो, वो वहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है कि हम अपने काउंसलिंग के लिए क्यों जाएं। नेक्स्ट सेशन में इसी का बारे में बताने जा रहा हूँ कि ये काउंसलिंग क्या होती है और हमें काउंसलिंग क्या नहीं होती है, हमें क्यों काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। तो ये जो रिलेशनशिप चैलेंजेस के बारे में बात कर रहा था कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए 3 स्टेप मैंने बताए थे। पहला था सेल्फ अवेयरनेस, दूसरा है सेल्फ एक्सेप्टेंस। अगर हमें पता चल गया कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना कि यस, हाँ ये मेरी प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग डिनाइल मोड में रहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। शायद उनको किसी ने बताया, कई बार ऐसा हम देखते ना कि घर वाले बच्चों को बोलते थे कि आपने ये प्रॉब्लम है, आपने वो प्रॉब्लम है, मे बी शायद उनके कहने का तरीका जो सही नहीं होता, जिस वजह से क्या होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को एक्सेप्ट ही नहीं करते। मगर जिस दिन आपने उनको फ्री छोड़ दिया, उनके ऊपर आपने वो नेगेटिव कमेंट करने बंद कर दिए, आई थिंक उसी टाइम पे वो उस चैलेंज को, वो जो चेंज है उनमें अपने आप आना स्टार्ट हो जाता है। हम किसी में कोई बदलाव नहीं लेके आ सकते, हर कोई अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एज ए पेरेंट, है ना, आपने खुद अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो आज अगर आप अपनी खुद की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे, तो आपके बच्चे भी आपको देखते हुए एक अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो बदलाव है वो आपसे शुरू होता है। अगर जो बदलाव अपने बच्चों में लेके आना चाहते हैं, जैसे मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि अगर हमने अपने बच्चों को रोकना है फ़ोन इस्तेमाल करने से ज़्यादा, तो सिर्फ रोकना ही काफ़ी नहीं है, पहले आपको अपना फ़ोन का इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, तब जाके आपके बच्चे सीखेंगे। क्योंकि आपके बच्चे आपके कहने से नहीं कर सीखते हैं, जो आप उनको करके दिखाते हो आप, वो उससे सीखते हैं। तो ये था सेकंड स्टेप। तीसरा है कि यू नो स्टार्ट वर्किंग, यू नो तीसरा होता है कि हम वो अपने आप ही वो चीज़ें हमारी लाइफ में वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। जब पहले 2 स्टेप हो जाते हैं, हमें अवेयरनेस, हमें जागरूकता आ जाती है, हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो तीसरा कि अपने आप ही वो बदलाव आना, तीसरा है चेंज, यू नो। तो तीसरा वो अपने आप ही एक चेंज, एक बदलाव अपने आप ही आना स्टार्ट हो जाता है। तो ये 3 स्टेप्स से जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि कैसे हम अपने ये बदलाव लेके आ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रिलेशनशिप चैलेंजेस हैं, ये अक्सर आपके बच्चों के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं।
क्योंकि मैंने अक्सर देखा कि पेरेंट्स का इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता अपने बच्चों को लेके, वो अपनी लाइफ में मस्त हैं, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, कुछ उनके बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है उससे उनको कुछ भी नहीं है। तो अगर हमने, जैसे मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बताया था, जो मैंने पिछले सेशन लिए थे, कि पेरेंट बनना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि हम पहले तो हमारी शादी हुई एक इंसान के साथ जो एक अलग इंसान था, फिर हमारा बच्चा हुआ वो एक अलग इंसान है, शायद वो आपका खून है, आपके जीन्स उसमें हैं, मगर उसके जो ब्रेन है, उसके डेवलपमेंट है ना, वो आपके जैसी नहीं है, वो एक कम्प्लीट डिफरेंट पर्सनैलिटी है। तो प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब हम एक दूसरे की जो खामियाँ हैं उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं, हम उनमें अच्छाइयाँ नहीं ढूंढते हैं, हमें खामियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, एक छोटी सी एग्जांपल है कि जैसे कि आप एक दिन अपने काम से वापस आए और उस दिन आपके बॉस ने आपके ऊपर शाउट किया, आप बहुत ज़्यादा गुस्से हुए और आपका बहुत ज़्यादा काम भी था उस दिन, उस वजह से क्या हो कि आप बहुत परेशान अपने घर पर वापस आए। जैसे आप घर पर वापस आए परेशान, तो आपने बच्चे ने आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को सेंस किया कि पापा बहुत परेशान लग रहे हैं, तो वो आपकी परेशानी को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, वो आपके साथ और ज़्यादा आपको परेशान करेंगे, आपको आपके ऊपर बैठेंगे, आपको ये करेंगे, वो आपको और भी ज़्यादा गुस्सा दिलाएंगे। तो वो आपको तब तक गुस्सा दिलाते रहेंगे जब तक, जैसे हम कहते हैं इट इज़ लाइक, मैं आपको एक जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, प्रेशर कुकर में जब तक वो प्रेशर बिल्डअप होता रहता है, बिल्डअप होता रहता है, एंड में क्या होता है, जब उसके पूरी तरह से प्रेशर बन जाता है प्रेशर कुकर में, तो विसल ब्लो कर देती है फिर ना। तो वैसे भी वो बच्चे का करते हैं आपके साथ, उनको ऑलरेडी पता है कि पापा का मूड ठीक नहीं है, वो फिर भी आपको कुछ ना कुछ ऐसा करते रहेंगे जिससे आपका प्रेशर और भी बिल्डअप होता रहेगा, और फिर क्या होगा, विसल, जब तक जब विसल ब्लो होगी, जैसे आप, जैसे आपने अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा हो गए कि आप क्या कर रहे हो, आपको पता नहीं है, है ना, मैं थोड़ा अच्छा महसूस नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही आपकी विसल ब्लो हुई तो उन्होंने भी अपना आपको परेशान करना बंद कर दिया, और हमने क्या सोचा कि हमारे शाउट करने से हमने बच्चों को गुस्से हुए हैं इसलिए बंद किया, आपके गुस्से की वजह से नहीं उन्होंने वो करना बंद किया, बल्कि जो वो देखना चाहते थे आपसे वो चीज़ हो चुकी है, अभी वो अपना काम करके अपने साइड में चले गए हैं। तो मैं आपको बहुत सारी एक रॉन्ग कॉन्सेप्शंस हैं जो पेरेंट्स को हैं, क्योंकि हमें लगता है कि उनको शाउट करके, उनको गुस्से होके ही हम उनको एक अच्छे पेरेंट बन सकते, नहीं। अगर हमने अपने बच्चों की अच्छी पेरेंटिंग करनी है, उनके अच्छे अंदर बदलाव लेके आने हैं, तो सबसे पहले हमारा उनके साथ एक अच्छा रिलेशन होना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिलेशनशिप चैलेंजेस तब ख़त्म होंगे जब एक अच्छा कनेक्ट होगा हमारे अपने आप के साथ। तो मैं तीन चीज़ें लास्ट में बताना चाहूँगा कि जिसके मैं तीन तरह के, यू नो, प्यार के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला कि लव फॉर गॉड, है ना, कि आप इस भी रिलीजन में बिलोंग करते हो ना, आपका अपने उस गॉड के प्रति जो प्यार है वो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक डिवाइन कनेक्शन होना चाहिए आपका अपने साथ। दूसरा, आपका अपनी फैमिली के साथ एक डिवाइन कनेक्शन होना बहुत, अपना एक अच्छे रिलेशन होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा है सेल्फ लव, कि आपका अपने प्रति प्यार, अगर आप गॉड को पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरी शक्ति से प्यार करोगे, तो डेफिनेटली वो जो कहते हैं कि जो गॉड का जो लव है वो हमेशा अनकंडीशनल होता है, उसकी कोई कंडीशन नहीं होती है। तो जब आप अपनी लाइफ में उस डिवाइन कनेक्शन की वजह से उस अनकंडीशनल लव को अपने लाइफ में आप महसूस करोगे, और वही जो लव है वो आपकी रिलेशनशिप में रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, आप फिर दूसरों में कमियाँ नहीं ढूंढोगे बल्कि उनमें अच्छाइयाँ ढूंढनी स्टार्ट करोगे, वही प्रॉब्लम जिसके साथ आपको प्रॉब्लम थी। तो जो एक आपका भगवान, एक गॉड के प्रति जो लव है, अनकंडीशनल जो गॉड का आपके प्रति लव है, वो आपके रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए हेल्प करता है। तीसरा है अपने आप को प्यार करना है। तो तीन चीज़ें हैं, लव फॉर गॉड, लव फॉर योर फैमिली एंड लव फॉर योरसेल्फ। तो अगर तीन चीज़ें हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने रिलेशनशिप चैलेंजेस को बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं। चैलेंजेस ख़त्म तो नहीं होंगे, मैं नहीं बोलूँगा कि आपके लाइफ में कभी चैलेंज नहीं होंगे, चैलेंज होंगे, मगर उन चैलेंजेस को फेस करने को आपको एक स्ट्रेंथ मिलेगी। जैसे कई बार होता है ना कि हम पेशेंस के लिए, हम सब्र के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितना ज़्यादा हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं पेशेंस के लिए, उतने ही ज़्यादा चैलेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो अगर तो आपने उन चैलेंजेस को फेस किया, तो वो चैलेंजेस आपको स्ट्रांग बनाएंगे, वो धीरे धीरे वो चैलेंजेस आपको महसूस होना बंद हो जाएंगे। तो वैसे ही जितना ज़्यादा हम इन चैलेंजेस से भागेंगे,
उतने ही चैलेंजेस आपके पीछे आएंगे। तो बेटर कि हम इसको फेस करें, एक्सेप्ट करें, यू नो, इसके ऊपर वर्क करें, अपने ऊपर वर्क करें। सबसे ज़्यादा कि हमें अपने आप के ऊपर काम करना है, किसी और को नहीं बदलना है। अब जब हम किसी और को बदलने के रास्ते पर निकलेंगे तो हमेशा आपको प्रॉब्लम ही मिलेंगे। मगर अगर आप अपने आप को बदलोगे, यू नो, तो आपको दूसरों की क्रिटिसिज्म भी एज ए कॉम्प्लीमेंट आप उसको एक्सेप्ट करोगे। सो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी। आई होप कि जो मैसेज मैं देना चाहता था कि हम रिलेशनशिप चैलेंजेस, चुनौतियाँ क्यों महसूस करते हैं, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके जो मैंने तीन रास्ते बताए कि पहले हमने अपने आप को जागरूक होना अपनी प्रॉब्लम को लेके, दूसरा उसको एक्सेप्ट करना है, तीसरा उसके ऊपर काम करना स्टार्ट करना है। तो ये तीन चीज़ें मैंने जो एक्सचेंज के बारे में बताई, और तीन चीज़ें हम कैसे आप एक अच्छा लव, एक प्यार, अपने एक बॉन्ड अपने फैमिली के साथ क्रिएट कर सकते हैं, इन छह चीज़ों के द्वारा मैंने आज आपको बताया। मैं आस करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि आज का जो एपिसोड है इसके द्वारा आप अपने रिलेशनशिप चैलेंजेस को बाहर आ सकते हो। तो मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा कि हमारा अबंडेंट लाइफ का काउंसलिंग एंड साइकोलॉजिकल सेंटर है लुधियाना में, बीआरएस नगर में, जहाँ पे हम काउंसलिंग करते हैं। हमारी टीम है, हम ऑनलाइन काउंसलिंग कर रहे हैं इन दिनों में कोविड की वजह से। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऑनलाइन हैं, पूरी कंट्रीज से हमारे पास क्लाइंट्स हैं। हमारी एक टीम है प्रोफेशनल्स की, पूरे इंडिया से हमारे पास प्रोफेशनल्स जुड़े हुए हैं। हमारे पास ट्रेनिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास प्रोफेशनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको हेल्प करेंगे अपनी रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए। तो आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने बच्चों की प्रॉब्लम को लेके, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको अपॉइंटमेंट देंगे अपने अच्छे काउंसलर के साथ, जो आपको हेल्प करेगा अपने साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड करने के लिए। थैंक यू सो मच।